पंडित मोदी से अफेयर पर सुष्मिता को दिया जा रहा है गोल्ड डिगर का टैग। 55 की उम्र में 70 के दिखने वाले ललित मोदी को दिल देने पर सुष्मिता को बताया जा रहा है पैसों का लालची। वेल, जैसा कि सब जानते हैं कि पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी अब लंदन में रहते हैं। वो तकरीबन 45,000 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ऐसे में जैसे ही सुष्मिता और ललित के रिलेशनशिप की तस्वीरें सामने आई तो सुष्मिता की ट्रोलिंग शुरू हो गई। हालांकि हमेशा रफ एंड टफ रहने वाली सुष्मिता गोल्ड डिगर का टैग सुनकर भड़क उठी और सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन्हें पैसों का लालची बता रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैसे सुष्मिता पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्हें गोल्ड डिगर और पैसों का लालची बताकर बदनाम किया जा रहा है। सुष्मिता से पहले भी कई एक्ट्रेसेस को ये टैग दिया गया है। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा और राज कुंद्रा की शादी को 13 साल हो गए हैं। बीते 13 सालों में राज और शिल्पा परफेक्ट कपल गोल्स देते हैं। लेकिन साल 2009 में जब शिल्पा ने राज के साथ शादी की थी तब शिल्पा को भी गोल्ड डिगर का टैग दिया गया था। वजह थी राज कुंद्रा का तलाकशुदा और एक बेटी का होना। जब NRI बिजनेसमैन से राज कुंद्रा की शादी की खबरें सामने आई तो कहा गया कि शिल्पा ने राज के बैंक बैलेंस से इम्प्रेस होकर उनसे शादी की है। हालांकि शिल्पा ये साबित कर चुकी है कि वो राज के लिए परफेक्ट वाइफ है। रिया चक्रवर्ती। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड और लिविंग पार्टनर रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी। सुशांत की मौत के बाद जब उनके पिता ने रिया पर बेटे के 15 करोड़ हड़पने का आरोप लगाया तब रिया भी सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुई। सुशांत के फैंस का आरोप था कि फ्लॉप एक्ट्रेस रिया सिर्फ ऐशो आराम सुख सुविधाओं के लिए सुशांत के साथ थी। सुजैन खान। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन खान को भी मिल चुका है गोल्ड डिगर का तमगा। यूं तो सुजैन खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, लेकिन जब सुजैन ने ऋतिक के साथ अपनी 13 साल पुरानी शादी तोड़ी तब खबरें आई थी कि ऋतिक से तलाक के बदले सुजैन को एलिमनी के तौर पर 450 करोड़ रुपए मिले थे। ऋतिक के फैंस अक्सर सोशल मीडिया पर सुजैन को हस्बैंड के पैसों पर ऐश करने वाली औरत कह देते हैं। समांथा रुद्रप्रभु। एक्ट्रेस समांथा रुद्रप्रभु और नागा चैतन्य का तलाक इनके फैंस का दिल तोड़ गया। हालांकि इसमें तड़का तब लगा जब खबरें सामने आई कि समांथा ने एलिमनी के तौर पर नागा चैतन्य से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। उस दौरान समांथा पर भी काफी कीचड़ उछाला गया। हालांकि बाद में समांथा ने नागा की फैमिली की तरफ से मिले 200 करोड़ की ऑफर को रिजेक्ट करके अपने ट्रॉलर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। मलाइका अरोड़ा। मलाइका के लिए ट्रोलिंग कुछ नई बात नहीं है, लेकिन अरबाज के साथ तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा को भी गोल्ड डिगर और पैसों का लालची बताया गया था। कहा गया था कि उन्हें तलाक के बाद अरबाज से एलिमनी के तौर पर मोटी रकम वसूली है। श्रीदेवी। जब लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी ने तलाकशुदा और 3 बच्चों के पिता फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की थी तो उन्हें काफी ताने सुनने को मिले थे। लोगों का कहना था कि श्रीदेवी ने सिर्फ पैसों के लिए एक बाल बच्चेदार आदमी से न सिर्फ शादी की बल्कि उसका घर भी तोड़ा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।